जिंदगी भर गम दिए। पेट्रोल इतना निकल गया, इतना मैंने इकट्ठा कभी डलवाया नहीं है। भाई आपका फुल अभी टेंशन है नाजरीनो हाजरीन। फ्यूल कट कर रही है, फ्यूल कट, नॉट गुड। सुकून से चलते हैं। हूप इज बैक इन लाहौर जी, वापस आ चुकी है। सर्दियां जाने को हैं। खैर जी, बीएमके इस खूबसूरत एंड्रॉइड पे गाने लगाते हैं और पहुंचते हैं सीधा रेहानशाह के पास, क्योंकि आज हम जा रहे हैं स्ट्रीट परफॉर्मेंस और गाड़ी के काम है काफ़ी सारे। ड्रिफ्ट इवेंट की तैयारियां हैं इंशाल्लाह, इसके बारे में मजीद डिटेल वर्कशॉप पहुंच के। अस्सलाम वालेकुम जी बॉयज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक है, खैर से बहुत मजे में होंगे। और आपका आज का दिन बड़ा ही हसीन गुजर रहा होगा। हमारा दिन शुरू हो चुका है बीएम में और एक धूप वाले दिन में, क्योंकि गर्मियां वापस आ रही हैं। जिन लोगों ने सोचा था कि रमजान आधा गुजर जाएगा ठंडा या पूरा गुजर जाएगा ठंडा, वो अपनी सोच खत्म कर दे, क्योंकि धूप वापस आ गई है और ऐसे लग रहा है कि अगले 10 दिन बाद काम तमाम हो जाएगा, सर्दी होगा। खैर जी, हम निकल पड़े हैं, हम जा रहे हैं वर्कशॉप पे। बीएम हमारे साथ है, जेबें हमारी खाली है। देखते हैं कि आगे जिंदगी में क्या है करने को और आज के दिन में क्या होगा। आज के दिन में वैसे इतना एक्शन नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ें पहले चेक करनी है। कल के दिन में ज़्यादा एक्शन होगा, शायद ये व्लॉग 2 दिन चले या 3 दिन चले, तो ज़रा तहम्मुल से। One eternity later. वे सुबह तो तूने शेव नहीं कराई हुई थी, कितना गंदा आदमी है यार तू, क्यों करता है इस तरह घिनौने काम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। नोबी चौधरी BMW E36 इशारा इज मिसिंग, लोगो इज फेडेड, ग्रिल अंदर गई हुई है, इधर का इशारा भी मिसिंग है। उसके अलावा रेहान शाह दस्ती अंदर बैठने की कर रहा है। नोबी चौधरी, चाबी डोंट वर्किंग, चाबी नॉट वर्किंग, यू आर नशेई, लीव इट। शादी नहीं लगनी आपसे आज। ये पकड़, ये देखें जी, हसन हम आते हुए, ये इनका एक्सपीरियंस है। ओ! ओ! भाई ये होता है एक्सपीरियंस है कि नहीं? एक इशारे पे, मैंने बचपन से पाला पोसा इसको, एक इशारे पे करें। इंटीरियर चेक करें गाड़ी का, थोड़ी चीजें से मिसिंग है, बाकी काफी ज्यादा मौजूद है। ये बहुत बहुत मौजूद है, जाना भी यहाँ पे। PRNDD2 वाह जी। जाओ शाह जी, किधर जा रहे हो आप? ये सामने रोड पे जाएगा शाह जी, दरवाजा बंद कर लो अपना। शाह जी, पैर देखो पहले इसको एक दफा, चलती है कि नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं। टॉप एंड पे बहुत मिसिंग है। भागने में ओके है। ओह इंशाल्लाह 2 साल तक बर्नआउट बज जाएगा नोबी जी। पूरा पैर दे ध्यान, वो देख टेलो भी जा रही है। ब्रेक अब सही हो गई, सारे डोरड मारने भाई, उसने ट्राई फिर भी करनी करनी है, डोरड मारने ही मारने। हिल पोजीशन हो गई। मैं गाड़ी चला के हूँ, मुझे भी पता है गाड़ी कितने की जोगी है। बोलो ओए ओए शाह, वो क्या कर रहा है? डोरड मारने नहीं आते तुझे? हैं चलो यार, मैं भी हो गया है। बर्नआउट मारू, पूरा एल पे ले जाओ उसको, मारो बर्नआउट, इसमें बर्नआउट बज ही नहीं सकता। नॉट नहीं बात सकता बर्नआउट। बात सुने, काम करते हैं अंसारी भाई, इसकी मिसिंग क्लियर करते हैं, इसके बाद ही डोनट मारेगी। सारों को ट्राई खेलने दो। अच्छा दे दे, डोनट नहीं, ओ बर्नआउट ही बजना इस पे, जो मर्जी कर ले। ध्यान से आगे बजाने जा,
इसके बाद ये इसमें बाय द वे BMW का जेन्युइन इंजन है जो 3 सीरीज में आता है। ओए नोमी, नोमी कितने सीसी है इसमें? 1600। कार्बोरेटर तो नहीं है, है? ये भाई है 1600 लेकिन वो हाँ अंदर कोरा ही कोरा है चारों पासे। यार यार नहीं यार बस बहुत है, नया टायर खराब कर दिया। खैर जी मुबारक हो नुमान चौधरी साहब को, लेटेस्ट एडिशन इन टीम LSD, चाबी अंदर ही लगी हुई है। उम्मीद करेंगे, उम्मीद नोमी इधर आ, अंदर उसको रूम में लेके जा रहा है कि चूज कर। होए 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 जो आपने बताया है वही वाला सिंगल टर्बो वाला 3UZ 1UR 1UZ 2GR 2GR 8 स्पीड 1GD GT 2GR तो मैंने चलाया, ऑल अवेलेबल। हां ये क्या बताया इसने? द नेक्स्ट डे अच्छा नहीं यार, गुल्ली डंडे का प्लेयर नहीं है तू। नहीं नहीं वो देख, वो देख अच्छा ये हालात है तेरे क्रिकेट पे। ये लो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये पे रुड़िया भी उड़ रही है, बसंत आ गई। भाई कारोबार आजकल थोड़े डाउन हो रहा है जिसकी वजह से मैं ये सब करना। ये देखे ना ये क्या कर रहा है, चाह जी नहीं टच भी नहीं हो रही, वो छक्का ही होए जा लेके आप। सुनी लग रही है माशाल्लाह, फ्रेश किट इंस्टॉल्ड, कोलैबोरेशन मीन मोटरस्पोर्ट्स विद स्ट्रीट परफॉर्मेंस गैराज। इनको हमने किट दे दी थी कल, आज लग भी गई है खूबसूरत, और गाड़ी अब माशाल्लाह पूरे पैरों पे आ गई है और खूबसूरत लग रही है। सबसे ज़्यादा चीज़ जो इस गाड़ी में ख़ास है वो एक अदद सनरूफ है, तो सनरूफ वाली मार्केट फिर सोनी तो लगनी बनती है। खैर इस सब के अलावा अपनी गाड़ी पे आ जाएं तो अपनी गाड़ी का माशाल्लाह आज काम शुरू हो गया, कल क्यों नहीं हुआ उसको छोड़ें, आज काम हो रहा है। फ्यूल पाइप हमारा लीक था, फ्यूल नीचे से टप 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 बरसता था, उसको ओके कर रहे हैं, वो भी पाइप आ रहा है, पाइप नया डाल जाएगा। उसके अलावा पिछला बम्पर उतर चुका है और गाड़ी बड़ी वैशी किस्म की लग रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। खैर बड़ा लंबा प्रोसेस है, हमने इसको डिटेल में साफ़ करना है केमिकल मार के, उसके बाद इसको करते हैं काला स्प्रे पेंट, उसके अलावा गाड़ी को हमने कुछ भी नहीं करना। ऑयल चेंज इज़ डन, एवरीथिंग इज़ डन, गियर ऑयल चेंज हो गया है, इंजन ऑयल चेंज हो गया है, डिफ ऑयल हमने चेक करना है, डिफ ऑयल ज़रूर चेक करना है। उसके अलावा बहुत बड़ा मसला जो पिछली दफ़ा हमें गाड़ी में फेस हो रहा था वो ये था कि ट्रैक पे जो हमें फेस हो रहा था गाड़ी में मसला था वो था अगले कॉयल ओवर्स का। अगले कॉयल ओवर्स बहुत ज़्यादा स्टिफ थे, उनकी वजह ये थी कि अगले कॉयल ओवर्स जो अभी भी हमारी गाड़ी में लगे हुए हैं वो हैं जी लीक, और वो हमारे पास लीक नहीं हुए, वो इससे पहले के लीक थे। तो गाड़ी की वैसे ड्राइव ठीक थी, चलने में ठीक थी, खड्डे खुड्डे आते थे तो थोड़ी बाउंस करती थी, तो भाई ने तब कहा कि यार क्या खर्चा करना है इसको चला लो। खैर ट्रैक पे वो चला लो वाला काम नहीं हो सकता क्योंकि ट्रैक पे आपको हर चीज़ पिन परफेक्ट चाहिए, तो इस वजह से हमें कॉयल ओवर नए डालने पड़ेंगे और ये धचका बहुत बड़ा है। 50,000 रुपये कॉयल ओवर मेरे इधर जाके बचते हैं। खैर कोई बात नहीं, कॉयल ओवर हमने नए डाल नहीं डालने हैं और कॉयल ओवर कल नए डाल जाएंगे। ये चेक करें माशाल्लाह, राशिद साहब ने क्या उसे काम शुरू कर दिया। यार नलकी जोड़ दे जैसा कि आपको पिछली वीडियो में ये गाड़ी हमने दिखाई थी एक दफ़ा, ताहा भाई की गाड़ी है, ताहा अंसारी की, और ताहा भाई से मैंने भी रابطہ किया है एंड ताहा भाई इज काइंड इनफ टू लेंड अस हिज रिम्स। ये वाले जो रिम गाड़ी पे लगे हुए हैं ये हैं जी 16 इंच के रिम, उनसे हमने रابطہ किया कि यार ये रिम हमें चाहिए इवेंट के लिए, तो ताहा भाई ने कहा अब यूज़ कर लें, बस एहतियात करना, मैं कहा कोई टेंशन नहीं है क्योंकि उधर दूर दूर तक कोई ऐसा खड्डा खुड्डा कोई कुछ तो है नहीं जो रिम को कुछ हो, और टायर भी हमने मोटा चढ़ाना है, तो इंशाल्लाह दिस विल बी द रिम्स जो हम गाड़ी पे लगाएंगे। 16 के टायर हमारे पास नहीं है, और पतंग बाजी अभी भी चल रही है। बाइक टूट गई, शुक्र पैरों के बारे में भी बताते हैं, बहुत ज्यादा डीप नहीं जा सकते। बहरहाल बिल 2GD GT रियाजा की चेजर
600 HP माशाल्लाह। आओ जी सैमी भाई भी आ गए हैं। चलो रे आशा, ओए कान बंद कर, इधर खड़ा हो, इधर खड़ा हो, इधर ए इधर खड़ा हो, इधर आना। ये देखें हमने LSD डाला है इसमें, दोनों एक्सल एक साइड पे घूम रही है, एक साइड पे घूम रहा है भाई जी। ने ओपन डे फेक उल्टा घूमता है, एक दूसरी साइड पे घूमता है। शाहजी बताओ ना कि ये क्या चीज है बेसिकली। ये लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल है, ये एक्सल है, ये LSD है, ये डिफ का अपना रिंग। ये देखें ये ओपन डिफ होता है, ये एक व्हील को घुमाता है, ये LSD होता है जो दोनों व्हील लॉक कर देता है। ये एक्चुअली ओपन डिफ ऐसा होता है, ये बता ना। बताया तो द नेक्स्ट डे क्या कर रहे हो ये? सीलिंग कल्चर बिफोर पेंट, लेकिन साफ कितनी हो गई है, जरूरत नहीं है वैसे। जानवर निकला ही है नीचे से। क्या कर रहे थे ये? कुछ नहीं, शर्म तो नहीं आती है? शाह के कल बड़े व्लॉग है, पतंगबाजी करता रहा, गुल्ली डंडा खेलता रहा बाहर। कल पतंगबाजी बाबा जी हमने गुड्डी उड़ाई, वो छापर वाली गुड्डी उड़ाई इतनी ऊपर, व्लॉग पहुंच गई थी। अच्छा आज की वीडियो यहीं पे खत्म करेंगे, काफी हेक्टिक डेज गुजर रही हैं, काफी ज्यादा काम है। एक और हादसा हमारे साथ पेश आ गया, सैमी भाई गाड़ी का डिफ अल्लाह वालों उड़ गया, एकदम ही हुआ। लेकिन इस दफा खुशी इस बात की है कि डिफ इधर ही उड़ गया, पिछली दफा इसकी गाड़ी का गोडा निकल गया था ऐसे गार्डन, तो वो फिर वापस जाना पड़ा था, सारा सीन खराब हो गया था। इस दफा खुशी की बात ये है और दुख की भी है, लेकिन खुशी की भी साथ ही है कि इस दफा डिफ इधर ही टूट गया। खैर जी सैमी भाई भी एंजॉय कर रहे हैं, हंसी जा रहे हैं, सुबह के कोई टेंशन नहीं है। टूट गया तो जाके टूटता है, अभी इंशाल्लाह नया डालेंगे। पूरा दिन बर्बाद हुआ था जब मैंने आपके साथ क्लैप किया। हां जी, अब हम इंशाल्लाह नया डिफ डालेंगे और वो गाड़ी भी दोबारा रेडी हो जाएगी। खैर ये वीडियो अभी आज इधर ही खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अगर ना की तो आगे आ जाएगा इवेंट और ये एडिट होके कभी पोस्ट नहीं होगी। अब बात रही गाड़ी की, तो गाड़ी रेडी है, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, सिर्फ और सिर्फ अगले कॉयल ओवर चेंज होने हैं, और वो कॉयल ओवर अभी भी हमें नहीं मिल रहे। 2 days to go in the event और हमें कॉयल ओवर नहीं मिल रहे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बाइक की इजाज़त और बाइक के लिए दुआ भी करते रहा करें। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, टेक केयर, बदमाशी भी गुड नाइट भी कर रहे, गुड नाइट कर दो जो है। टीम LSD इवेंट से 2 दिन पहले बीमार 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 बीमार, और मैं सबको सही कर रहा हूँ। हाँ जी, सैमी आते की फार्मेसी से हमने ब्लड टेस्ट ले लिया। आप भी विजिट करें, अल्लाह ना करे आपको कोई बीमार करे, लेकिन हो जाए तो इधर को आए। मेहरबानी करके एड्रेस है बोजी, क्या था वैसे? मुल्तान रोड सोडीवाल के सामने, मुल्तान रोड सोडीवाल ऑपोजिट साइड करम फार्मेसी। लवली से बोतल पी, ठंडी दराए गले खराब की दवाई ले ले। ओके दिखाओ नोमी चौधरी जी, किस काम लगा दिया हमें ये इवेंटों ने। सानंद सारी साहब क्या कहना चाहेंगे आप? झुलते गए हैं पर चस नहीं आ रही, झुलते गए पर चस नहीं आ रही, आइएगी इंशाल्लाह। सभी साहब आप क्या कहेंगे? बस जी बहुत जी बहुत मजा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन। ये हमारे कॉइल ओवर आए हैं और अब हम ये एक रात पहले इतने ही कॉइल ओवर। शाहजी की मेहरबानी, शाहजी ने हमें अपने औजार इस्तेमाल करने दिए, वो बटन कर दीदार कराए टिकटॉकर्स का। कोबरे री को हम उठा लाए हैं। कोबरे री आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कुछ भी नहीं कहना, मैं तो किसी कुछ कह जो छड़ी बड़े मजे सोया था कोबरा। खैर जी अभी भी काम जारी है, ये दिन है, ये हालात हैं और ये मामला हैं। हाय होप दिस टर्न्स आउट टू बी अ गुड वन। हाँ बब्बर शेर,
टीम एलएचडी का झंडा भी रेडी है, इसको भी हमने सुबह स्टिच करवाना है, दो हैं, दोनों को आपस में स्टिच करवाएंगे, डबल साइड बन जाएगा। क्या बात है, माशाल्लाह बिग गेम। और ये रिम्स भी हमारे रेडी हैं, टायर कल चढ़ेंगे।